तो लीजिए आपके जायकेदार कूटू आलू के रसगुल्ले, जो कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं और नॉर्मली भी आपका अगर दिल करे तो आप इसको बना के खा सकते हैं। लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आपको इसकी एक इसमें ना आज एक मैं स्वीट डिश बनाने वाली हूँ, जो कि नवरात्रि में जो कि बहुत कम रेयर में मिलती है, लेकिन उसके बाद जो कि आप इसमें इसको आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। और दूसरा, व्रत उपवास रहते हैं जब सब लोग रहते हैं, तो उसमें आपको एक कुछ स्वीट, एक कुछ नया आपको मिलता है जो कि आप खाओगे तो आपको पता चलेगा। तो आज मैं वही प्रिपेयर करने वाली हूँ, वही चीज़ बनाने वाली हूँ जो कि नवरात्रियों के समय में आप खा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो आलू बॉईल किया है, जो कि ये देखिए, सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करके मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, क्योंकि प्रिपेयर पहले से करना पड़ता है। देन इसके साथ में है कूटू का आटा, अब इसमें है थोड़ा सा कूटू का आटा। अब हमको किस मेजरमेंट से लेना है ये मैं आपको बताऊँगी। इसमें मैं ये मैं आपको बनाने के लिए बता रही हूँ, इसीलिए इन शॉर्ट में ही कर रही हूँ मैं। तो आपको ये बॉइल्ड आलू लेने हैं, आपको इस तरीके से आपको मैश करना है ये बिल्कुल। इसमें ज़रा सा भी थोड़ा सा भी मोटा आलू ना रह जाए, इसलिए आपको अच्छे से सबसे पहले आपको ये मैश करना है इस आलू को। जितना अच्छा ये मैश होगा उतना अच्छा इसका आपका स्वीट डिश बनेगा। और आपको इसका नाम जो है मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। बस आपको बनाना है, आपको देखना है, बनाना है और खाना है, जो कि आपके मुंह को स्वाद देगा, मीठा मीठा देगा और स्वीटनेस घोल देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसको पूरी तरीके से मैच कर लिया है आलू को, बिल्कुल एक भी आप देखेंगे तो इसमें एक भी आपको गुठला नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको करना है। ये थोड़ा सा टाइट हो गया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से उबला हुआ था। ये देखिए, ये इस तरीके से मैश हो गया पूरा आलू, कहीं से भी कहीं नहीं है, एक भी इसमें वो नहीं है, इसका कहीं से भी एक भी मोटा आलू इसमें नहीं है, ये पूरी तरीके से हो चुका है। अब हमको इसमें क्या करना है सबसे पहले क्या करना है इसमें हमको ये हमने जितना आलू लिया आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, मैं तो बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ, है ना। तो इसमें आपको 4 चम्मच आपको इसमें कूटू का आटा डालना है, 4 टेबल स्पून आपको इसमें कूटू का आटा डालना है, से मिला के मैश करना पड़ेगा ये पूरा इस तरीके से। आलू में ये कूटू का आटा डाल के आपको इस तरीके से करना है। और अगर आपका थोड़ा मैश करने में अगर आलू रह भी जाता है थोड़ा सा, तो आप उसको हाथ से कर दीजिएगा जब आप ये कूटू मिला रहे हैं। आपको मैंने 4 आलू में मैंने 4 ही चम्मच ये देखिए, मैंने 4 ही चम्मच इसमें वो लिया है, कूटू का आटा लिया है। और अगर आपको लगता है वैसे इतना सफिशियंट है, ये पूरी तरीके से मैश होना चाहिए। अरे ये देखिए, अब हमारा ये आलू और कूटू के आटे का डो तैयार हो गया, थोड़ा सा ये हमारा परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ये मैंने इस डिश के लिए, आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा बट इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये लिया चिरौंजी और ये किशमिश लिया। अब उसके आगे मैं नेक्स्ट आपको स्टेप बताती हूँ। मैंने इसके लिए ऑलरेडी मैंने चाशनी बनाया हुआ है। आपको वैसे तो खैर चाशनी बनानी आती होगी, बट ये मैंने बना के रखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि फिर इतना समय नहीं होता है, इसलिए ये मैंने बना के रखी हुई है चाशनी, मैंने बनाई है। इसमें मैंने ये इसका
ये कटोरी भर के मैंने शुगर डाला था और इसका हाफ, जस्ट हाफ इसमें पानी डाला था। उसके बाद मैंने इसको गरम करा और गरम करते करते जब मेरे को लगा थोड़ा सा थिकनेस इसमें आने लगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बन गई। और मैंने इसमें एक इलायची भी डाला हुआ है जिससे कि इसकी चाशनी की खुशबू, इसमें एक अच्छी सी फ्लेवर आ जाए इलायची का। मैंने थोड़ा सा ऑयल मैंने लगाया है और उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप मेरे को करना है, ये जो डो मैंने तैयार करके रखा था इसको आपको बहुत छोटा छोटा सा आपको ये लेना है जिससे कि ये आपके हाथ पे ना चुपके। इस तरीके से कभी मैंने ये ऑयल, चाहे तो आप ऑयल लीजिए, चाहे आप घी लीजिए, चाहे आप देसी घी लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को इसमें एक, इसमें दो, ये मेरे को किशमिश डालना है और इसी तरीके से मेरे को दो तीन इसमें चिरौंजी डालना है। और अब मुझे इसको इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए ये हो गया, मेरा हाथ ऑलरेडी चिकना है तो इसलिए वो आराम से ये बन गया। ये देखिए ये परफेक्ट आया है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट, इसी तरीके से छोटे छोटे आपको ये बनाने हैं। ये देखिए मैं ये रखा और ये देखिए इसमें ये डाला। ये अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, खाली होगा तो फिर आपको धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से प्रेस करके आपको इसको राउंड शेप में इसको इस तरीके से आपको बनाना। अब ये सारे वो डो जो था मैंने उसकी ये इस तरीके से बनाया है। मैंने इसमें अंदर आपको बताया था मेरे को किशमिश और मैंने इसमें थोड़ा सा चिरौंजी भरा था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमको ये सेकना है। ये देखिए मैंने इसमें घी डाला हुआ है कढ़ाई में और इसको मैंने ऑन किया हुआ है लेकिन बहुत स्लो पे हमने इसमें रख दिया, घी डाल दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लग रहा है कि ये समथिंग इज गर्म होने लगा है तो अब हमको इसमें ये डालना है। ये छोटे छोटे आपने जो बनाए हैं, ये डो के जो बनाए हैं आपने आलू और उसके जो बनाए हैं, ये आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूरी पे आपको डालना है। ये इस तरीके से आपने डाल दिया। ये देखिए अब हमको इसमें ये इस तरीके से करते रहना चाहिए जिससे कि ये आपके ये इसमें चुपके ना कढ़ाई में, वैसे चुपकेगा नहीं, ऑलरेडी इसमें ऑयल से बना हुआ है वो, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से घुमाते रहना चाहिए इसको। ये देखिए एक तरफ से सीख रहा है। अब हमको इनको थोड़ा सा कलर देना है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, और सेकना है अच्छे से इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको ये सेकना है। जितना आप इसको धीमी फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे, आप सेकेंगे ना, तो उतना ही बेस्ट बनेगा। जल्दी जल्दी नहीं करना है, एकदम आपने बहुत तेज़ कर दिया और उस पर आप सेकने लगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेक रहा है, बस ये कंटिन्यूस थोड़े से हिलाते रहना है आपको, बस इसी तरीके से आप करते रहिए। क्योंकि एक एक ही साइड से ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना है ये। ये
नवरात्रियों के लिए बहुत अच्छा स्वीट डिश है। नवरात्रियों के लिए ही क्या, ये आप कभी भी किसी भी व्रत में आप बना सकते हैं, जिसमें कि आप एक टाइम भी अन्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। वैसे मैं तो मैक्सिमम इसको शिवरात्रि पे भी बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और मैं कृष्ण जन्माष्टमी पे, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें व्रत रहा जाता है तो हम लोग अन्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें, तो सिर्फ यही चीज़ों को खाते हैं, फलाहारी जो चीज़ें होती हैं तो उसमें भी मैं बनाती हूँ। और चाहे चैत्र का नवरात्रि हो, चाहे ये जो इस समय जो चल रहा है शारदीय नवरात्रि, अब मैं इसमें भी बनाती हूँ, तो वही मैं आज बना रही हूँ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी इस तरीके से बना सकते हैं स्वीट, बहुत अच्छा और बहुत सही। आप जब आप फलाहार करेंगे उसके बाद आप खाएंगे तो नो डाउट आपको भी लगेगा कि हाँ अच्छा बना है ये, आप करिए, आप पहले बनाइए खाइए और फिर उसके बाद मेरे को बताइए। अब आप जान ही गए होंगे इसको जो मैं बना रही हूँ, टॉपिक में आपको पता ही चल जाएगा मैं क्या बना रही हूँ। ये परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब मैंने ये जो आपको बताया था, मैंने चाशनी बना के रखी हुई थी, अब मेरे को इसको इसमें डालना है, डिप करना है। ये देखिए मेरा डिप तो जा रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में बन भी जाता है, खाने में बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ है व्रत में खाने के लिए पधारी स्वीट है ये। तो लीजिए आपके जायकेदार कूटू आलू के रसगुल्ले, जो कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं और नॉर्मली भी आपका अगर दिल करे तो आप इसको बना के खा सकते हैं। लीजिए झटपट तैयार होने वाले रसगुल्ले।